हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुर्मी। आज हम नए डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन GNCT ऑफ दिल्ली की रिवीजन वर्कशीट नंबर 104 जो कि क्लास 9 के लिए है। सब्जेक्ट आपका सोशल साइंस है। डेट इज इसकी 1 अप्रैल 2022। आप अपना नेम एंड अपनी क्लास की जगह नेम लिखेंगे। तो आज तो 1 अप्रैल है, यानी अप्रैल फूल्स डे है। तो कोई भी एक फूल्स अप्रैल फूल आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, जिससे देखते हैं सबके आइडियाज़ अप्रैल फूल से रिलेटेड क्या हो सकते हैं। तो कमेंट ज़रूर करिएगा आज सभी बच्चे। वैसे हैप्पी अप्रैल फूल्स डे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो क्लाइमेट है। आपको ये एक्सट्रैक्ट दे रखे हैं, 1 से 3rd क्वेश्चन तक इन्हें पढ़ना है। द प्रेशर एंड विंड सिस्टम ऑफ एनी एरिया डिपेंड ऑन द लैटिट्यूड एंड एल्टीट्यूड ऑफ द प्लेस, डज इट इन्फ्लुएंस द टेम्परेचर एंड रेनफॉल पैटर्न। द सी एग्जिस्ट अ मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस ऑन क्लाइमेट। जो प्रेशर विंड सिस्टम होता है वही किसी एरिया का, वो लैटिट्यूड और एल्टीट्यूड उस प्लेस के डिपेंड रहता है। वो उसका टेम्परेचर और रेनफॉल पैटर्न भी इन्फ्लुएंस करता है। जो सी एक्सर्ट करता है मॉडरेटिंग इन अपना क्लाइमेट, वो डिस्टेंस फ्रॉम द सी इंक्रीज को, जब वो सी से डिस्टेंस इंक्रीज होता है तो वो भी इंक्रीज होता है। और मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस डिक्रीज एंड द पीपल एक्सपीरियंस एक्सट्रीम वेदर कंडीशन, और लोग बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम वेदर कंडीशन फील करते हैं। और इसी कंडीशन को हम कंटेंटलिटी कहते हैं, जो कि बहुत हॉट ड्यूरिंग समर और बहुत ज़्यादा कोल्ड ड्यूरिंग विंटर्स होता है, उसे हम कंटिनेंटली कहते हैं। अब इसी पर बेस क्वेश्चन है, वाई आर द डिफरेंट टेम्परेचर एंड रेनफॉल पैटर्न। तो क्यों जो डिफरेंट टेम्परेचर होता है और डिफरेंट रेनफॉल पैटर्न होता है, तो आप लिखेंगे जो प्रेशर एंड विंड सिस्टम है किसी भी एरिया का, वो उसके लैटिट्यूड और एल्टीट्यूड पर बेस्ड होता है। तो ये हमारे इन्फ्लुएंस करता है टेम्परेचर और रेनफॉल पैटर्न। सेकेंड क्वेश्चन है, हाउ सी एग्जिस्ट अ मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस ऑन क्लाइमेट। तो कैसे सी एंड मॉडरेट करता है क्लाइमेट का इन्फ्लुएंस। तो सी एग्जिस्ट करता है एक मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस क्लाइमेट पे, क्योंकि डिस्टेंस फ्रॉम द सी इंक्रीज होता है जब वो मॉडरेट करता है डिक्रीज, एंड द पीपल एक्सपीरियंस एक्सट्रीम वेदर कंडीशन, और लोगों को बहुत ज़्यादा फिर ठंड लगती है। फिर है व्हाट इज कंटिनेंटलिटी। तो जो डिस्टेंस सी से बढ़ता है और पीपल बहुत ज़्यादा वेदर कंडीशंस, एक्सट्रीम वेदर कंडीशन जैसे बहुत ज़्यादा गर्मी और बहुत ज़्यादा ठंडी महसूस करते हैं, इसी कंडीशन को हम कंटिनेंटलिटी कहते हैं। नेक्स्ट है, रेनफॉल एक अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड इंडिया है। इंडिया में रेनफॉल अनइवनली डिस्ट्रीब्यूट है। आपको कोई 3 पॉइंट्स बताने हैं। तो जो डिस्ट्रीब्यूशन है रेनफॉल का वो अनइवन है इंडिया में, क्योंकि लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है। जो ट्रॉपिकल एंड कोस्टल रीजन है वो प्लेन्स, वो ज़्यादा रेनफॉल रिसीव करते हैं, और प्लेटियो डेजर्ट रीजन इंटीरियर पार्ट पड़ते हैं। रिलीफ और टोपोग्राफी में हम देख सकते हैं कि जो विंडवर्ड साइड होती है माउंटेन्स की, वो और हिल रिसीव करते हैं ज़्यादा रेनफॉल लीवर्ड साइड से। 5th क्वेश्चन है, वाई डू वेस्टर्न घाट रिसीव मोर रेनफॉल दैन द ईस्टर्न घाट। तो वेस्टर्न घाट में ज़्यादा बारिश क्यों होती है ईस्टर्न घाट से रिलेटेड। तो ईस्टर्न रीजन जो है वेस्टर्न घाट का, वो रेन शेडो रीजन में आता है। वेस्टर्न घाट जो बहुत ज़्यादा बड़ा है, टॉल है, दैट इज ब्लॉक मॉइस्चर लेड इन साउथ वेस्ट विंड टू रीच ईस्टर्न स्लोप एंड हेंस रिसीव्स कैंटी रेनफॉल। जो वेस्टर्न घाट का जो वो ब्लॉक मॉइस्चर लेडन है वो बहुत ज़्यादा साउथ वेस्ट में आता है, तो इसलिए वहाँ पे पानी ज़्यादा आता है। बट ईस्टर्न घाट में ये स्कैंटी होता है। तो वेस्टर्न स्लोप ऑफ वेस्टर्न घाट रिसीव मोर रेनफॉल देन ईस्टर्न स्लोप। तो वेस्टर्न घाट के वेस्टर्न स्लोप जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा पानी बारिश महसूस करते हैं, बारिश होती है रादर देन ईस्टर्न घाट। नेक्स्ट है 6th क्वेश्चन, आपको कोई 3 फैक्टर्स जो कि मैकेनिज्म ऑफ मानसून को अफेक्ट करते हैं वो बताने। तो जो इम्पॉर्टेंट फैक्टर हैं जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं मैकेनिज्म ऑफ इंडियन वेदर आर सरफेस प्रेशर एंड विंड, जेट स्ट्रीम एंड अपर एयर का सर्कुलेशन, वेस्टर्न डिस्ट्रीब्यूशन एंड, आप यहाँ लिखेंगे वेस्टर्न डिस्ट्रीब्यूशन एंड ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। तो आप इसे कर लेंगे। ये थी आपकी आज की वर्कशीट। आई होप आपको अच्छे से वर्कशीट समझ आ गई होगी। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग यू। बाय बाय गाइज़।